हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं धीरे बोल रही हूँ, बट आज है सचिन का बर्थडे। मतलब आज मतलब कल होगा 23rd को। आज 22nd है। 22nd की रात के 12 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं, एक आधा मिनट है। तो मैं जल्दी जल्दी से इंट्रो रिकॉर्ड कर लूँ, मैंने सोचा। और मैं सचिन को सरप्राइज़ देने वाली हूँ। मैंने मंगवाया है उनके लिए केक, ठीक है? तो मैं फटाफट से कैंडल्स जला लेती हूँ और हम उनको चलते हैं सरप्राइज़ करने आप सबके साथ। ज्वाइन मी। केक हो गया है रेडी। हैप्पी बर्थडे। केक आ गया, उठ जाओ जल्दी जल्दी से। तुमने अभी मंगाया? थैंक यू थैंक यू। मैं उस रात को एक घंटे से फोन पे लगे हुए हैं। अच्छा, और मैं घोड़े बेच के सो रहा था। ये मेरी फ्रेंड पूजा विश कर रही है सचिन को। थैंक यू थैंक यू। हाँ हाँ, अब वो और पापा अपना फर्स्ट बर्थडे साथ में मनाएंगे। और क्या, पापा का तो फर्स्ट बर्थडे है ना एज ए पापा। आपका फर्स्ट बर्थडे नहीं है? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सचिन, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, अब जियो हजारों साल यही है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मी। चलो कट द केक। नहीं, बच गया। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। किंतु नहीं, तो जुगाड़ लेके चल रहे हैं। यस, जुगाड़ लेके चल रही है मम्मी, जुगाड़ लेके चल रही है मम्मी। अब इतने सारे में खा जाए ना, देखना क्या अच्छा बच रहे। Happy birthday! Say happy birthday, Papa! I wish you happy birthday, Papa! और ये पूजा तेरे लिए केक नाइट सेलिब्रेशन हो चुका है। डर अबू, say happy birthday, Papa! Happy birthday! करेंगे कल सुबह के लिए। तो मैं आपको मिलती हूँ कल सुबह और डिस्कस करूंगी कि हम क्या क्या करने वाले हैं सचिन के बर्थडे के लिए। और यस, सी यू गाइस टुमारो मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो रात वाला आपने बर्थडे सेलिब्रेशन देख लिया होगा कि जो मैंने उनको सरप्राइज दिया था। कि कैसा लगा था आपको सरप्राइज? आपने बताया नहीं। अच्छा, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे सरप्राइज? मेरे को वैसे अंदर अंदर लग रहा था, मैं स्वाति आए ऐसे तो नहीं जाने देगी, बट इसने कुछ ना कुछ किया होगा प्लान। बट मेरे को टायर्ड बहुत था, मैंने बोला मैंने देखो
ढूंढने और छुपाने के चक्कर में मैंने क्या किया था, मैंने पहले एक दिन में ही केक ऑर्डर कर लिया था जब ये काम पे थे, ताकि जब ये घर आए तो मैं ऑलरेडी मतलब सब कुछ इनके इनको कुछ ना पता चले। केक ऑर्डर करके मैंने फ्रिज में रख लिया था और जैसे इनका आने का टाइम हुआ तो मैंने फ्रिज से निकाल दिया और फिर उसको ताकि ये देख ना सके। और रात को फिर 12 बजे जो है हमने सेलिब्रेशन किया और वो तो आप सब लोगों ने देखा। बताना मुझे आपको मेरा सरप्राइज कैसा लगा, ठीक है? इनको तो अच्छा लगा, आप लोग भी बताना कैसा लगा। और इस जैसे देखो मेरे सरप्राइजेस से ना आपको आइडियाज भी मिल रहे हैं नए नए, राइट, कि कैसे कैसे सरप्राइजेस देने हैं, है ना? सरप्राइजेस देने हैं। तो इन्होंने सबसे पहले उठ के सुबह नहाया धोया और ज्योत जलाई, भगवान की पूजा करी, ठीक है, उनसे ब्लेसिंग ली अपने बर्थडे वाले दिन। और उसके बाद फिर बैठ गए अपने लैपटॉप के ऊपर एज यूजुअल अपना काम करने के लिए। और बहुत लोगों की कंप्लेंट आ रही है मेरे को अभी वीडियो बनाते बनाते कि ये उनको जो है आप ना उनको बर्थडे विश उन्होंने आपको किया आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं उनको। मैं कर रहा हूँ सभी को, बट मैं वही बोल रहा था कि सुबह से बिजी हूँ, जैसे ही मेरे को बीच में टाइम मिल रहा है तो मैं कर रहा हूँ। थैंक यू एवरी वन फॉर द बर्थडे विशेस। और अगर आप रिप्लाई नहीं आए तो आ जाएगा मैं गो थ्रू कर रहा हूँ, इतने ज़्यादा कॉमेंट और रिप्लाईज आ रहे हैं तो बाय कि मैं ट्राई कर रहा हूँ। आई एम सॉरी अगर किसी का बीच में रह गया हो, बट आई एम जस्ट ट्राई माई बेस्ट कि गो थ्रू करूँ सबसे। सो अब मैं सचिन को बोल रही थी कि मैं घर पे कुछ बनाना चाहती हूँ जो भी इनको पसंद हो, मैं से इनको मुझे जो पता है आलू पूरी चने पूरी जैसे पसंद है यूजली, बट हम थोड़े टाइम से थोड़ा सा हेल्दी खाने की ट्राई कर रहे हैं तो हमने नहीं खाया था। तो मैंने इनको बोला कि आज बर्थडे है, साल में एक बार ऐसा दिन आता है, सो वी शुड ईट समथिंग स्पेशल जो आपको पसंद हो। तो उन्होंने बोला कि उनका मन है पिज्ज़ा खाने का रदर देन कि मैं घर पर कुछ कुक करूँ, क्योंकि वो चाहते नहीं कि मैं ज़्यादा खाऊँ। यार नहीं तो फिर ये लगी रहेगी पीछे, अभी रो रहा है राइट, उसको भी देखना होता तो इतना टाइम मिलता नहीं कि स्पेशली आप 2-3 घंटे को स्पेशल बनाने के लिए निकालो। तो मैंने बोला कि रतन की तुम बनाओ, थोड़ी देर में अभी उठ जाएगा तो मैनेज नहीं हो पाएगा, लेट्स कि हम बाहर से मंगवा लेते हैं अगर ऐसा कुछ खाना पीना है। तो आज हम कर रहे हैं पिज्जा पार्टी, तो चलो गाइस मिलते हैं पिज्जा के साथ, थोड़ी देर में पिज्जा का आएगा डिलीवर करने, हमने घर पे ही ऑर्डर कर दिया था कि हम घर पे डिलीवर करवा लेते हैं। तो अब जैसे पिज्जा आता है तो हम खाते हैं पिज्जा। अभी शो कट के गार्लिक चीज फिंगर इंडिया की तरह, क्योंकि हमने ये किसी इंडियन पिज्जा स्टोर से मंगवाया है, इसका बहुत अच्छा बनता है। हाँ, दैट्स व्हाई। एंड दिस इज पंजाब पनीर, पंजाबी पनीर, पंजाबी पनीर पिज्जा नो मशरूम। या लुक एट दैट, लुक एट दैट, मेरे मुंह में तो ऑलरेडी पानी आ रहा है इधर देख के। मैं तो गिरी काला हूँ कैची। प्ले कल की दिखा दो बोबो, प्ले कल की दिखा दो। देखिए बर्थडे बॉय को, क्या आप ये खराटे सुन सकते हैं? और देख लो मैं इनके सामने वीडियो बना रही हूँ, आवाज देखो कितनी जोर से बोल रही हूँ, फिर भी कोई असर नहीं। बर्थडे बॉय, मिस्टर बर्थडे बॉय सचिन शर्मा, सचिन शर्मा मिस्टर, हेलो, गुड मॉर्निंग, बर्थडे खत्म आपका।
रात हो गई, पहले पैसे बाहर लगा लो अपना। बेबी आपको अभी जरूरत पड़ेगी, आप अभी छोटे से काके हो आप अभी, जस्ट अभी कुछ ही घंटे हुए हैं पैदा हुए आपको। हाँ तो फिर आपको ये पैसिफायर जरूरत है ना, अभी उठ जाओ पैसिफायर ले लो। सो गाइस ऐसे हमने सेलिब्रेट किया सचिन का बर्थडे। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगी जल्द ही आपको। और आप अगर किसी तरह के पर्टिकुलर किसी तरह की वीडियो आप देखना चाहते हो, कोई मतलब फनी कंटेंट या फिर कुछ मतलब कोई कंपटीशन, कोई डेयर, कोई समथिंग जो भी आप चाहते हो कि हम करें, तो प्लीज़ लेट अस नो और इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम जो है वो वीडियो बनाएं आपके लिए और जल्दी से जल्दी वीडियो लेके आए। अब सचिन तो सो लिए और अब मैं सोच रही हूँ मैं भी एक शिफ्ट लगा ही लूँ सोने की क्योंकि मैंने पर कम पिज़्ज़ा खाया था ना, इसलिए मेरे को इतनी नींद नहीं आ रही, सचिन ने ज़्यादा खाया था। हे गाइस तो आज अभी है इवनिंग, मैंने तो वीडियो एंड कर दी थी दोपहर को ही, बट मुझे नहीं पता था सचिन के लिए सरप्राइज़। अब जो हमारे फ्रेंड हैं बेवरडन, जिससे जिनसे मैंने आपको मिलवाया था पिछली वीडियो में, उन्होंने सचिन के लिए गिफ्ट देके गए हैं, और गिफ्ट जो है सचिन का फेवरेट है एप्पल पाई। तो सचिन अभी घर पे नहीं है, वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, और एक ग्रीटिंग कार्ड भी है और एप्पल पाई भी है। मैं ग्रीटिंग कार्ड खोल के दिखाती हूँ आपको। हैप्पी बर्थडे टू अ रियल क्लासी गाय, सो कूल, सो ब्यूटीफुल। पॉ प्रिंट, तो जो अभी का दोस्त है जैस्पर, उन्होंने उसका वो पॉ प्रिंट बनाया, इट्स सो क्यूट। या और साथ में आई है ये एप्पल पाई, सचिन की फेवरेट एप्पल पाई। तो इट्स बेसिकली मतलब बेक्ड, मतलब आप तरह से एक समझ लो बेक्ड क्रस्ट है, और उसके अंदर रियल एप्पल्स जो है वो फिलिंग होती है। इट्स सो यम्मी, और इसको अब गर्म करके आइसक्रीम के साथ खाते हैं ना, इसका तो मज़ा ही कुछ और है। इट्स सो 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 यम्मी। या सो अब आज हमारा भार बढ़ जाएगा, हमने इतना मीठा खा लिया रात को, केक दोपहर को पिज्ज़ा भी एप्पल पाई। बट थैंक यू सो मच बेवन डैन, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली गिफ्ट। और सचिन घर पे नहीं है इसलिए उनकी तरफ से भी सो मच थैंक यू।